हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एक्टिवा 7G इंडिया में कब लॉन्च होगी और इसके क्या नए फीचर होंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होंडा से लीक खबरों के मुताबिक होंडा एक्टिवा 7G इंडिया में 2022 में लॉन्च होगी। होंडा एक्टिवा 7G इंडिया में 2021 में लॉन्च नहीं करेगा और 2022 के बीच के महीनों में एक्टिवा को लॉन्च करेगा। होंडा अपनी एक्टिवा 7G में कौन कौन से नए फीचर देगा यह तो पूरा कंफर्म नहीं है, परंतु लीक्स के मुताबिक यह न्यू फीचर 7G का नया हिस्सा हो सकते हैं। पहला नया फीचर हो सकता है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर जो आपके एक्टिवा को अच्छी स्पीड और कम्फर्टेबल प्रदान करेगा। दूसरा नया फीचर है डिस्क ब्रेक सिस्टम जो एक्टिवा 7G को एक बेहतर लुक देंगे। डिस्क ब्रेक एक्टिवा 6G में उपलब्ध नहीं था, वह एक्टिवा 7G में खबरों के मुताबिक हो सकता है। अगर होंडा 7G में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देता है तो एक अच्छा ऑप्शन होगा। तीसरा नया फीचर जो एक्टिवा 7G में देखने को मिल सकता है वह है डिजिटल स्पीड मीटर या डैशबोर्ड। इस बार होंडा एक्टिवा में डिजिटल मीटर कंसोल दे सकता है, क्योंकि अब TVS जुपिटर और सुजुकी के स्कूटर में भी डिजिटल कंसोल मीटर है जो एक्टिवा 6G में देखने को नहीं मिले हैं। इसके अलावा भी होंडा अपनी न्यू एक्टिवा 6G में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे सकता है। वैसे होंडा अपनी एक्टिवा में ज्यादा बदलाव नहीं करता है, लेकिन इस बार मार्केट में उसकी टक्कर सुजुकी और TVS के जुपिटर से होगी, इसलिए अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए होंडा एक्टिवा में नए बदलाव करेगा। इन सब के अलावा भी होंडा एक्टिवा 7G में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, न्यू LED हेडलैम्प, BS6, स्मार्ट की फंक्शन, बाहर की तरफ फ्यूल टैंक और भी कई बदलाव एक्टिवा 7G में कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप एक्टिवा 7G के बारे में और भी नई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।